तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले स्मैकडाउन यानी कि 15 जुलाई 2022 को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। और आने वाले स्मैकडाउन के लिए WWE ने पहले ही से 2 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं और साथ में ये भी अनाउंस कर दिया है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिटर्न आएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो ऑस्टिन थ्योरी ने मनी इन द बैंक जीतने के बाद रोमन और ब्रॉक दोनों को कन्फ्रंट किया और थ्योरी लगातार ये बोल रहे हैं कि वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट समरस्लैम 2022 में कैश इन करेंगे। और कुछ ऐसे ही करते हुए थ्योरी पिछले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में नजर आए और जब वो बैक स्टेज में इंटरव्यू देकर गए तो उनके पीछे मैडकैप मॉस आए और मैडकैप ने ये बोला कि थ्योरी के पास जो ब्रीफकेस है वो काफी बड़ा है, लेकिन मैडकैप ये ब्रीफकेस थ्योरी के मुंह में ठूसना पसंद करेंगे क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा बोलता है। और WWE ने भी अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ऑस्टिन थ्योरी का मैच होगा मैडकैप मॉस के साथ। और इसके अलावा पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब लिव मॉर्गन सेलिब्रेट कर रही थी कि इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली ना सिर्फ वो वुमेन्स मनी इन द बैंक विनर बनी बल्कि उन्होंने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप भी जीत ली जो कि उनका WWE में फर्स्ट टाइटल है, तो इसका क्रेडिट लेने नटालिया आ गई क्योंकि नटालिया ने ये बोला कि अगर वो रोंडा रोजी की नी में इंजरी नहीं करती तो लिव मॉर्गन कभी भी ये चैंपियनशिप नहीं जीत सकती। और इसलिए रोंडा रोजी ने आकर नटालिया से सिंगल्स मैच में फाइट किया ये दिखाने के लिए कि रोंडा को नटालिया कभी नहीं हरा सकती। और उस सिंगल्स मैच में रोंडा रोजी जीत गई और WWE ने ये अनाउंस कर दिया कि समरस्लैम 2022 में रोंडा रोजी वर्सेस लिव मॉर्गन होगा फॉर स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप। लेकिन इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन लिव मॉर्गन का मैच होगा नटालिया के साथ और ये एक कंटेंडरशिप मैच है, यानी कि इस मैच में अगर नटालिया जीत गई तो वो भी समरस्लैम 2022 में रोंडा रोजी और लिव मॉर्गन के मैच में ऐड हो सकती हैं। और मुझे लग रहा है कि इस मैच में शायद नटालिया जीत जाए और वो ऐड हो जाएंगी लिव मॉर्गन और रोंडा रोजी की समरस्लैम में होने वाले मैच में। तो जैसा आपको पता ही होगा कि मनी इन द बैंक 2022 के बाद हैप्पी कॉर्बिन ने क्राउड में से आकर WWE कमेंटर पैट मैकेफी पर अटैक कर दिया था और इसी अटैक के बाद पिछले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पैट मैकेफी कमेंट्री करते हुए दिखाई नहीं दिए और एक टाइम पर हैप्पी कॉर्बिन पैट का मजाक उड़ाने के लिए उनकी जगह कमेंट्री भी कर रहे थे। लेकिन WWE ने अनाउंस कर दिया है कि समरस्लैम 2022 में पैट मैकेफी को मौका मिलेगा हैप्पी कॉर्बिन से बदला लेने का क्योंकि इन दोनों का सिंगल्स मैच होगा समरस्लैम 2022 में। और इसलिए कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पैट मैकेफी रिटर्न आ सकते हैं और हैप्पी कॉर्बिन और पैट का ब्रॉल फैंस को देखने मिल सकता है। तो पिछले हफ्ते जब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्न आए तो उन्होंने उनके वाइज मैन से ये पूछा कि पॉल हेमन इतना ज्यादा परेशान क्यों है। तब फिर पॉल हेमन ने ये बताया कि उनकी परेशानी का एक ही कारण है और वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, क्योंकि जब सबको ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर कोई मैच नहीं जीत पाएंगे तो ब्रॉक उनके अपोनेंट को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके वो मैच जीत जाते हैं। और इसकी पॉल हेमन ने रोमन से बोल दिया है कि रोमन को उनका बहुत खतरनाक वाला साइड समरस्लैम 2022 में ब्रॉक लेसनर के सामने लाना होगा अगर वो चाहते हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में रोमन ब्रॉक को हराकर उनका अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लें। और WWE ने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे हैं और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फैंस को देखने मिल सकता है और साथ में इनका ब्रॉल भी फैंस को देखने मिलेगा। और इसके अलावा मिस्टर मनी इन द बैंक यानी कि ऑस्टिन थ्योरी एक बार फिर से रोमन और ब्रॉक को टीज कर सकते हैं कि समरस्लैम में वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर सकते हैं। वैसे अगर ऑस्टिन थ्योरी रोमन या फिर ब्रॉक के साथ रिंग के अंदर आए तो रोमन और ब्रॉक थ्योरी पर अटैक जरूर कर देंगे। वैसे आप लोग समरस्लैम 2022 में रोमन और ब्रॉक के मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके सबसे शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।